हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी बीएड स्टूडेंट्स? जिन्होंने भी सीटेट एग्ज़ाम भरा हो इस बार जुलाई 2024 का, उनके लिए ये एक छोटी सी हेल्प इस वीडियो के द्वारा। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी उन्होंने कहा, तो उसके रिगार्डिंग हम ये आज वीडियो लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि आपका 7 जुलाई को होने वाला है। आई होप इससे आपकी थोड़ी मदद हो पाए। आपने तैयारी तो अपनी बेशक की होगी, लेकिन ऐसा भी है कि लास्ट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए वो हम थोड़ा सा यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। आपके 2 पेपर आते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, पेपर 1 और पेपर 2 नेम से। पेपर 1 में CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, EVS और मैथमेटिक्स आता है। वहीं पेपर 2 में आपका CDP आएगी, हिंदी और इंग्लिश आएंगे, और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस भी स्ट्रीम से हैं आप, सोशल साइंस से हैं या मैथ्स साइंस से हैं, तो उसके 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इस एंड टाइम पर करना चाहिए और किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, है ना। आप रिवीजन कर रहे हैं इस दौर में, तो सबसे पहले मेन बात कि PYQ जितने हों वो आप लगाइए इन दिनों में। यदि आपने मेनली उनके लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो PYQ लगाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। PYQ को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कि स्टूडेंट पर, मतलब लर्नर पर, चाइल्ड पर, बच्चे पर फोकस किया जाता है कि उसके बेनिफिट के लिए क्या है, कि उसको किस तरीके से अच्छा फील कराया जाए, अच्छा वो गेन कर सके, अच्छा सीख सके। इस तरीके के आपको ऑप्शन चूज़ करने होते हैं जो स्टूडेंट के, बच्चे के फेवर में हो, चाइल्ड के फेवर में हो, ठीक है। चाहे तो वो क्लासरूम से रिलेटेड हो, या उसके ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड, या उसकी साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान से रिलेटेड, जो उसको हेल्प करे, हमें ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना होता है। कभी भी ऐसे ऑप्शन को आप चूज़ नहीं करेंगे जिसमें ओनली, केवल लिखा हुआ आ रहा हो। इसी के साथ में तीसरी बात, आप क्या याद रखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से क्या नहीं है। जब नॉट पूछा जाता है तो वहाँ कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम नॉट नहीं देख पाते, और ऐसे ऑप्शन को चूज़ कर आते हैं आंसर में जिसमें वो यस जा रहा हो एक तरीके से, है ना। हमें जबकि नॉट पूछा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन पेपर में आप जो देखेंगे, जैसे कंप्यूटर में भी अगर ऑनलाइन हो रहा है, तो नॉट को बोल्ड किया जाता है, उसको अलग से दिखाया जाता है, जिससे आपको ऐसा ना हो कि नज़र ही ना आए कि उसमें नॉट लगा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो आप ये बात याद रखेंगे। कभी भी पनिशमेंट को प्रेफर नहीं करेंगे यदि क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है कि बच्चे को पनिशमेंट दी जाए, नहीं, इसको आपको चूज़ नहीं करना है, ऐसा ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। कभी ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो नहीं माना जाता जब टीचर पे फोकस किया जाए कि क्लासरूम में सेंटर कौन है, कि टीचर को सेंटर मान के काम किया जाता है। हालांकि हाँ, क्वेश्चन यदि ऐसा है कि टीचर को सेंटर मान के आप क्या ऑप्शन चूज़ करवाना चाह रहे हैं, इस तरीके से कुछ फ्रेम किया गया तो अलग बात है, बट यदि बच्चे की बात हो रही है, तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से जो सही हैं कथन या स्टेटमेंट उनको चुनिए, तो 4-5 स्टेटमेंट दे दिए और उनमें से आपको चुनने के लिए कहा, तो आप ऐसे स्टेटमेंट को नहीं चुनेंगे जिसमें ओनली आ रहा हो या पनिशमेंट के लिए कहा जा रहा हो या टीचर को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया जा रहा हो, ठीक है। आप इन बातों का याद रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे CDP और शुरुआत करेंगे मनोविज्ञान से। तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली होगी वो आप देखेंगे कि साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं और शुरुआत में इसमें क्या क्या कार्य किया गया। साइकोलॉजी से रिलेटेड सबसे पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट रखे गए, क्या माना जाता है साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब खोली गई, तो आपको पता होगा जर्मनी लिप्जिग में खोली गई थी, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहले साइकोलॉजी की लैब इंडिया में कब खोली गई, तो 1916 में, किसके द्वारा, NN सेन गुप्ता के द्वारा खोली गई, ठीक। इसके बाद में हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको आप पढ़ के जाएंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिसके अंदर डेवलपमेंट स्टेजेस आएंगे, सबसे पहले प्रीनेटल, ठीक है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद लास्ट है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। इससे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस, मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है या ये टॉपिक है एडोलेसेंस। इनकी बुक है फेमस,
किसकी? स्टैनली हॉल की, जिसमें एक बहुत फेमस लाइन कही गई है, किशोर अवस्था एक तनाव एवं तूफान की अवस्था है जिसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हेरिडिटी हो गया, ठीक है, या इसके साथ ही इन स्टेजेस में, डेवलपमेंट की स्टेजेस में बच्चे को क्या क्या सीखा जाना चाहिए, उनको क्या क्या आ जाता है, या वो अपनी सोसाइटी से क्या सीखते हैं, है ना, सेल्फ क्या सीखते हैं, और इन इस टाइम पे जो ये एज होती है बच्चे की, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एडोलेसेंस में मेनली हम देखें तो इनको हम ट्रांजिशनल पीरियड या आइडेंटिटी क्राइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड है उसे हम ट्रबलसम एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ स्कूल में जाना शुरू कर देता है, 7 से 12 साल की अवस्था होती है। तो जब स्कूल में जा रहे हैं तो ग्रुप बनता है, मतलब फ्रेंड्स बनते हैं, इसलिए हम इसे गैंग एज कहते हैं। इस तरीके से आपको ये समझाया गया होगा जहाँ से भी आपने पढ़ा है, है ना। इसके बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या, जहाँ सभी स्टूडेंट्स को एक समान रखने की कोशिश की जाती है। यदि आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, अपने एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन से अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि आपका एक पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन ही है। फर्स्ट ईयर में है, यदि इस टाइम पे सीटेट दे रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन से आप ज़रूर समझ लेंगे कि यहाँ किसी भी बच्चे को अलग थलग नहीं रखा जाता है, सबको एक लेकर रखा जाता है। जैसे डिसेबल बच्चा है जिसको कोई प्रॉब्लम है, हैंडीकैप है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की जानी है। सेम क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के साथ में एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ में उनको उसी क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में मेनली जो एक तरीके से कहे ना कि एक समरी क्या निकल के आ रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो यहाँ हर एक बच्चे को मौका दिया जाता है, हर एक बच्चे को एक साथ आगे बढ़ना सिखाया जाता है। आगे है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इससे भी क्वेश्चंस देखे गए लास्ट ईयर, तो इसको आप देख लेंगे। प्रगतिशील शिक्षा, इसे समझते ही हैं कि बालक की प्रगति की बात की गई है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप आंसर करेंगे कि क्या ध्यान रखना है आंसर करते वक्त, स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, किशोरावस्था तो इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ऐसे फेवरेट है एग्जामिनर का ये पॉइंट, किशोरावस्था, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन से बनते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी बनते हैं, तो मेनली यहाँ वही मैंने आपको टॉपिक्स शो किए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डायरेक्टली ना पूछकर आपको एक सिनेरियो या एक सिचुएशन फ्रेम करके भी ये पूछा जा सकते हैं सारे क्वेश्चंस। डायरेक्ट अब क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते, आपके कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया इस बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यदि आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप आंसर कर पाते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जैसे डिसलेक्सिया, किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया यदि लिखने में दिक्कत है, डिसकैलकुलिया, इससे समझ में आ रहा है कि हम कैलकुलेशन कहाँ करते हैं मैथ्स में, तो वो संबंधी कोई अगर परेशानी है, डिसफेजिया या अफेजिया दोनों नाम हैं, ये होते हैं बोलने संबंधी, डिसप्रेक्सिया या अप्रेक्सिया, ये है मोटर, मतलब आपको बच्चे के चलने फिरने में कोई दिक्कत है ना, मूवमेंट में मतलब कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से ये डिसेबिलिटीज़ पूछी जा सकती हैं। आगे हैं टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड कई प्रकार के होते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या आपसे थोड़ा सा घुमा के, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है H.E. आर्मस्ट्रांग ने दिया, प्रोजेक्ट मेथड है W.H. किलपैट्रिक ने दिया, रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन मेथड J.L. मोरेनो ने दिया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड सुकरात ने दिया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑसबोर्न ने दिया है, और इनकी एक फेमस बुक है क्रिएटिविटी, ठीक, प्लेवे मेथड हेनरी कोल्डवेल कुक ने ये नेम दिया था प्लेवे, और ये मेथड दिया है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ठीक है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने ही किंडरगार्टन की बात करी है, केजी क्लासेस जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं केजी एलकेजी यूकेजी, मोंटेसरी मेथड मारिया मोंटेसरी ने दिया, डाल्टन मेथड हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया, ठीक, इंडक्टिव और डिडक्टिव ये दोनों मेथड अरस्तु ने दिए हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपके काम आएगा ही आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं पूछा गया तो बाद में कभी पूछा जाएगा। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कुछ
संप्रदाय स्कूल्स बताए गए हैं। यहाँ स्कूल का मतलब वो नहीं है कि आप जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये मतलब हो गया एक एक कम्युनिटी टाइप, कुछ ऐसा लोगों का ग्रुप जो किसी एक विचारधारा में विश्वास करता है। ठीक है, तो यहाँ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कुछ स्कूल्स दिए गए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब संरचनावाद, जो कि विलियम वुंट ने दिया था। उसके बाद आता है फंक्शनलिज्म, मतलब प्रकार्यात्मकवाद या कार्यात्मकवाद, जो कि विलियम जेम्स ने दिया था। इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। इसके बाद साइको एनालिसिस आता है, जो कि सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉयड बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनकी जो स्टडी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं माइंड के, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये इड, ईगो और सुपर ईगो की भी बात करते हैं, यदि आपने पढ़ा है तो, है ना। ये ज़रा इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद में फोर्थ हमारा आता है बिहेवियरिज्म, जो व्यवहारवाद, जो कि जेबी वॉटसन ने दिया। नेक्स्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कि वर्दीमिर ने दी है। इन्हीं के साथ में कोलर और कोफ का भी आते हैं इसी साइकोलॉजी से। नेक्स्ट कॉग्निटिविज्म, मतलब संज्ञानात्मकवाद या संज्ञानात्मकता, जो कि मेलर और ब्रूनर ने दी। फिर आता है हमारा ह्यूमनिज्म, जो कि कार्ल रॉजर्स ने दिया है। ठीक है, इन्हीं के साथ में एक और नेम आता है अब्राहम मैस्लो। ये मैस्लो, इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नीड। आगे चलेंगे हम तो आएगा बुद्धि, इंटेलिजेंस। इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थ्योरीज दी गई हैं इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। इंटेलिजेंस में आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था बीने एंड साइमन ने। इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर भी कहे जाते हैं अल्फ्रेड बिने। ठीक है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था बिने ने, जबकि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था स्टर्न ने। इसके बाद में लेकिन फॉर्मूला जो आप देखते हैं आईक्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, ये दिया टर्मैन ने, लुईस टर्मैन। ठीक, तो आप अलग अलग ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज़न में गलत नहीं करके आएंगे। फिर एक टेबल भी होती है आईक्यू की, कि कौन सा बच्चा एवरेज होता है, कौन सा बिलो एवरेज, कौन सा अबव एवरेज, किसे आप जीनियस कहेंगे, तो वो टेबल आप देख लेंगे, कहीं नहीं मिल रही है, यदि नहीं पढ़ी है तो गूगल कर लेंगे, वहाँ भी आपको ये टेबल मिल जाएगी। फिर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में कई थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने ही दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी, और कई थ्योरीज आई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ हो जाती हैं, जिसमें से एक है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। एक आती है थर्स्टन की थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं इसको। एक है हमारी क्रिस्टल एंड फ्लूड इंटेलिजेंस, जो कि आरबी कैटल ने दी थी। ठीक है, तो कुछ ये थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरीज रह गई डेवलपमेंट से रिलेटेड बताने के लिए, वो अभी उसका नाम बता देंगे, तो वो आप कर लीजिएगा। आगे हम आते हैं मोटिवेशन की तरफ। इसके बारे में आप पढ़ेंगे सिद्धांत कुछ, तो जो किससे संबंधित है, मेनली इन सब से संबंधित, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोलबर्ग, गार्डनर, थर्स्टन, ब्रूनर। थर्स्टन के बारे में और गार्डनर के बारे में अभी बताया, ये इंटेलिजेंस की थ्योरी से रिलेटेड है। और बाकी है डेवलपमेंट, कैसी डेवलपमेंट। सबसे पहले डेवलपमेंट से रिलेटेड, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड 3 लोगों ने बात की, अलग अलग इन्होंने बात की। जीन पियाजे भी बात करते हैं इसके बारे में, लेव वाइगोस्की, और एक है नोम चॉम्स्की। ठीक है, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। इसी के साथ में आगे हम जब चलते हैं तो एक, हाँ एक चीज़ आप याद रखेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक टेबुला रासा, जो कि जॉन लोक ने कहा था। टेबुला रासा का मतलब है एम्प्टी वेसल, तो बच्चे को मानते थे एम्प्टी वेसल, मतलब एक खाली बर्तन, एक खाली गढ़े की तरह है, कि जैसा आप बनाना चाहते हैं, जैसा इन्फॉर्मेशन आप बच्चे के अंदर भरेंगे वैसा वो बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है। ठीक, और स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। स्कीमास के बारे में उन्होंने बात करी है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन के बारे में बात करी है। इसके साथ में वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर अप्रोच दी है, जिसमें वो एक ZPD और स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं, तो 3 मोड्स बताए हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। पियाजे ने ही एक मोरल डेवलपमेंट भी दिया है। ठीक है, उसमें भी कुछ स्टेजेस हैं।
इसी के साथ में आप कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, जिसमें तीन लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। एक सिचुएशन बना के भी आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं सी टेट में, और फिलहाल जितना प्रीवियस ईयर में देखा उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको एक फ्रेम करके दिया जाएगा क्वेश्चन, तब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताना क्या है, ठीक है। इसी के साथ में आप एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी याद रखेंगे, फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें 5 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल, ठीक। आप थोड़ा और पढ़ना चाहें तो एरिक एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, इसमें 8 स्टेजेस हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, वजह से बिल्कुल भी तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो छोड़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करें। और जो ये नाम यहाँ लिखे हुए हैं, प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, गार्डनर, ब्रूनर, थर्स्टन, इनके बारे में ज़्यादा देख सकते हैं, और साथ ही साथ एक फ्रॉयड के बारे में, ठीक है। एक टॉपिक है पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें 4 पेरेंटिंग स्टाइल बताई गई हैं। पहली, अथॉरिटेटिव, अधिकारवादी, जिसमें बच्चे को प्यार और कंट्रोल दोनों ही हाई लेवल पे किया जाता है। एक आता है अथॉरिटेरियन, सत्तावादी, इसमें प्यार नहीं जताया जाएगा ज़्यादा, लेकिन कंट्रोल ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है। डांटना, बहुत ऐसे स्ट्रिक्टनेस करना, ये वो पेरेंटिंग स्टाइल है। एक होता है नेगलेक्टफुल या इन्वॉल्व, जिसमें ना तो बच्चे की चिंता ऐसी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाए, ध्यान रखा जाए, ना ही उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, दोनों ही चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है। एक होता है परमिसिव या इंडलजेंट, कृपालु, यहाँ पे क्या होगा, कृपालु से आप समझ रहे हैं कि लगाव या प्रेम बहुत ज़्यादा होगा, कंट्रोल उतना नहीं होता, कंट्रोल उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक है। और ये पेरेंटिंग स्टाइल डियाने बॉमरिन ने दी थी 1900 में। आगे चलते हैं हम इसके बाकी 4 पार्ट्स पर। पहला हिंदी, दूसरा हमारा इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ईवीएस, इनमें क्या होता है। तो हिंदी इंग्लिश में आपके पैसेज आएंगे, गद्यांश पद्यांश मतलब स्टोरी पोयम दोनों से आते हैं, कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और पैडागॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैडागॉजी आप समझ रहे हैं, शिक्षण शास्त्र, मतलब आपकी क्लासरूम से रिलेटेड, पढ़ाने से रिलेटेड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती हैं। मैथमेटिक्स हो या आपका जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप जाते हैं ना, पेपर 2 आप करेंगे, SST से हों आप, साइंस से हों, मैथ से हों, जिस भी बैकग्राउंड से हैं, वहाँ आपको 10th लेवल तक की प्रिपरेशन करनी होती है, वहाँ तक के रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और उसके साथ में क्या, पैडागॉजिकल क्वेश्चंस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्या आप क्लासरूम में उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाते हैं, या और भी कई प्रॉब्लम्स आपके सामने ऐसी रखी जा सकती हैं, ठीक, तो वो आपको सॉल्व करनी होती हैं। EVS में EVS बेस्ड है कुछ थीम्स पर, वो थीम्स क्या हैं, थीम्स हैं फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल एंड लास्ट थिंग्स वी मेक डू, ये 6 थीम्स हैं जिनके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखा मैंने, उसमें भी ज़्यादातर थीम से क्वेश्चंस थे, और ये थीम दी NCF 2005 के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आर्ट से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कोई डांस फॉर्म पूछ लिया, कोई पेंटिंग के बारे में पूछ लिया, ठीक है, किसी प्रकार की कोई कहीं की चीज़ फेमस है, किसी स्टेट की, किसी सिटी की, वो पूछ ली। जैसे लास्ट मैंने कोई क्वेश्चन देखा था लास्ट ईयर का, पोचमपल्ली के बारे में पूछा हुआ था कि कहाँ से बिलोंग करता है, स्टेट के नेम लिखे हुए थे वहाँ, ठीक है। साथ ही साथ EVS के जो NCERT के चैप्टर्स हैं, ठीक, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप उनको एक बार देख सकते हैं। यदि आपने अच्छी प्रिपरेशन की हुई है तो आप उन पर भी नज़र डाल सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा नहीं है तो चैप्टर्स को अगर देख पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। मेनली थीम्स, आर्ट्स और EVS में भी पैडागॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पैडागॉजी तो आपको सब में ही पूछी जाती है, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर में, सब्जेक्ट पैडागॉजी आती है आपके पास में, मैथ्स पैडागॉजी, इंग्लिश पैडागॉजी, सोशल साइंस पैडागॉजी, तो वो किस लिए है कि आप पढ़ाएंगे कैसे, वहाँ जो प्रॉब्लम्स आएंगी क्लासरूम में उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपने उसकी बुक देखी हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो वैसे ही यहाँ पैडागॉजिकल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बस ध्यान यही रखना है कि सेंटर कौन होगा, स्टूडेंट होगा, उसके भले के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसको सिखाने के लिए, सब उसको ध्यान में रखकर बातें की जाएंगी,
ठीक है। और पहले जैसे बताया था नोट पे, जो नोट वाले क्वेश्चन हैं उनको ध्यान रखकर उनको ध्यान से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए हों तो एलिमिनेट करने की कोशिश करें, मतलब जो नहीं लगता है आपको कि ये नहीं हो सकता उसको हटाने की कोशिश करें। मैचिंग वाले आएंगे तो आप उससे सॉल्व करने की कोशिश करें मैचिंग, जिसका आंसर आपको पता है कि मुझे पता है कि सेकंड वाले का आंसर ई है, तो उसी से आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ऑप्शंस में, ठीक। आई होप इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। आगे मैं कोशिश करूँगी कि इनकी कुछ क्लासेस अगर शुरू कर पाए आने वाले समय में तो वो भी कोशिश की जाएगी। और बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट किसी यूज़फुल वीडियो में या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।